हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ क्विल्टिंग का दूसरा तरीका। क्विल्टिंग तो क्विल्टिंग की तरह होती है, फोम होता है, लाइनिंग होती है, अस्तर होती है, लेकिन क्विल्टिंग में या तो हम चेक काटते हैं या लहर काटते हैं या बर्फी काटते हैं। बस ये तीन चार तरीके से हम क्विल्ट कर लेते हैं। बाकी जो आपने देखा होगा बहुत डिज़ाइनदार जो होती है, वो मशीन का उसका चाप दूसरा आता है और वो सब लोग नहीं ले पाते हैं, तो वो बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है। लेकिन मैं जो साधारण क्विल्टिंग, जो चेक, लहर, बर्फी जो भी हम काट लेते हैं, तो वो तो प्रिंटेड कपड़ों में चल जाती है। लेकिन कभी कभी हमारे पास प्लेन कपड़ा होता है तो उसमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह की क्विल्टिंग करें। ख़ास तौर पे जैसे पिलो कवर वगैरह प्लेन होते हैं, कुशन कवर प्लेन होते हैं, या कोई बेडशीट बनानी होती है प्लेन होती है। तो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डिज़ाइनदार बनाना चाहते हैं कि जो सबकी आंखों को अच्छा लगे। बैग वगैरह में तो चल जाता है, लेकिन पिलो कवर, बेड कवर और कुशन कवर में कुछ ख़ास तरह की क्विल्टिंग की जाए तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। तो उसी का एक पैटर्न मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसको कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लेन कपड़ों में बनती हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक क्विल्टिंग का सामान। तो इसमें जो क्विल्टिंग की जाएगी उसमें उल्टी तरफ से की जाएगी। जो सीधा हिस्सा होगा हमारा वो बैक साइड होगा, मतलब हम उल्टी तरफ से क्विल्टिंग करेंगे तो हमको सीधी तरफ से वो डिज़ाइन पैटर्न मिलेगा। तो हम ये देखिए, ये इधर ये मेरा सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने एक बहुत ट्रेडिशनल सी डिज़ाइन ड्रॉ कर रखी है। आप मैंने तो पेन से इसलिए किए कि आपको दिखाई दे अच्छे से, आप जब भी करें तो कार्बन लगा करके और अच्छे से ट्रेस करें। और ये थोड़े से बड़े फूलों पर ही ये क्विल्ट किया जा सकता है, बहुत महीन काम इसमें नहीं कर सकते। और जिनके पास कई कंपनी की फैशन मेकर आती हैं वो उससे क्विल्टिंग कर सकती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो अभी सीख ही रहे हैं उनके लिए और जो सीख चुके हैं उनके लिए भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के पैटर्न भी क्विल्टिंग में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें जो हम बॉबिन में धागा भरेंगे, तो बॉबिन में जो हम धागा भरते हैं तो वो सिंगल धागा होता है, लेकिन आज हम बॉबिन में तीन लेयर धागा भरेंगे। उसके लिए हमें बॉबिन चाहिए होगी। आप चाहें तो तीनों पूल एक कलर के ले सकते हैं या अलग अलग कलर के भी ले सकते हैं। ये मल्टी कलर में भी बनाया जा सकता है और इससे डिज़ाइन बहुत उभर के आती है। अब करना क्या है हमें कि तीनों पूल का सिरा लेना है इस तरह से, तीनों को एक साथ लेना है। और ये बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन पहले सिर्फ बैग वगैरह में जो सिंपल झोले वगैरह बनते थे जिनको झोला कहा जाता था, जब क्विल्टिंग कोई नहीं जानता था तब ये किया जाता था, लेकिन आज ये क्विल्टिंग में बहुत पॉपुलर है और सब लोग नहीं जानते ये कैसे किया। सबको लगता है मशीन से किया है, लेकिन मशीन से होता है, लेकिन किस तरह होता है ये नहीं पता। तो इन तीनों धागों को मिला करके और हम ये बॉबिन में भर देंगे, पूरा पूरी नई पूल लेकर के तीनों को मिला दें। चाहे तीनों को, तीनों एक ही कलर के पूल ले सकती हैं, चाहे तीनों अलग अलग कलर के ले सकती हैं। तो इसको इस तरह से बॉबिन में पूरा भर लें तीनों धागों को एक साथ, धागा बीच में टूटना नहीं चाहिए। अगर एक धागा कोई टूट जाता है तो वहाँ से तीनों को एक साथ कट करें और फिर तीनों को मिला करके फिर बराबर से भर लें। तो इस तरह से बॉबिन में धागा भर लें और दो तीन बॉबिन डिज़ाइन के हिसाब से इकट्ठा भर के तैयार करके रखें ताकि बार बार आपको बॉबिन न भरना पड़े। तो यहाँ पर भी मैंने ये देखिए धागा तैयार किया हुआ है, आज मोटा दिख भी रहा है कैमरे में। और ये बॉबिन में नीचे तीन धागे हैं और ऊपर एक सिंगल पूल लगी हुई है। और इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ कर लें उल्टी तरफ, सीधा हिस्सा हमारा इधर आएगा। अब इसको हमें जो लाइनें हैं एक एक करके इस तरह से सिलेंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे।
ये डाइनिंग टेबल मैट्स वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी को, क्विल्टिंग को। ये थोड़ी बड़ी डिज़ाइनों में चलाया जाता है। इस तरह से एक एक लाइन पे रखें, खूब आराम आराम से मशीन चलाएं। ये देखिए, ये इधर लाइनें आने लगी हैं। अभी थोड़ा और बनाएंगे तो और दिखाई देगा। ये इस तरह से कुछ दिखाई देने लगेगा। और ये जो टेंशन है इसकी, ये 5 नंबर पे रखनी है। जैसे जैसे फूल का घुमाव है वैसे वैसे चाप उठा उठा के मशीन चलानी है। ये देखिए, ये हमारा फूल का आकार आने लगा है। अब इसी तरह से ये पूरा फूल जो है हमें तैयार करना है। ये जो आइडिया है, ये हाथ की कढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका ये समय की बचत हो जाती है इससे। और जिनको कढ़ाई का शौक है तो वो कढ़ाई तो हाथ से कर ही लेंगे। और इस तरह से इसको करने के बाद इसमें आगे क्या करना है, ये आखिरी फूल कर लूँ तो फिर मैं बताती हूँ। ये और क्विल्टिंग के हिसाब से ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन बनाने के बाद ये बहुत खूबसूरत आता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जितने भी धागे हैं। इसके बाद इसको सफाई से काट दें इस तरह से।
इस तरह से करने के बाद इसमें आप फैब्रिक ग्लू की मदद से इसमें सीक्वेंस वगैरह या स्टोन वगैरह लगा करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और पूरी पूरी चादर एक, और ये जो क्विल्टिंग है कभी बीच से मत स्टार्ट कीजिए, पहले पूरे हाथ, पूरे जितना बड़ा क्विल्ट का पीस है उसको हाथ से कच्चा कर लीजिए और उल्टी तरफ पैटर्न छाप लीजिए। उसके बाद एक कोने से शुरू करिए और जिस पर कढ़ाई कर रही हैं, जो उल्टा हिस्सा है वो आपका कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, सिल्की नहीं होना चाहिए। सिल्की जो भी है, आप इस तरफ जो सीधा हिस्सा है उधर होना चाहिए और उल्टी तरफ कॉटन होना चाहिए। तो कॉटन की तरफ से जब आप पैटर्न बनाएंगी मशीन से तो वो सरकेगा नहीं, और नीचे वाला जब ऊपर नहीं सरकेगा तो नीचे वाला अपने आप बैठा रहेगा, क्योंकि उसमें हाथ की कच्ची सिलाई हुई रहेगी। तो इस तरह से आप क्विल्टिंग कर लें और अपने जो भी डाइनिंग मैट्स हैं, कुशन पिलो कवर हैं, बेड स्प्रेड हैं, कुछ भी टेबल मैट्स हैं, टेबल कवर हैं, इस तरह से जो भी करना चाहती हैं क्विल्टिंग, इस तरह से कि एक नई क्विल्टिंग करके आप अपने घर को सजा सकती हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो थोड़ी सी नई जानकारी के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।